अपना एक शेर है, उसी से मैं जो है मेरी बात शुरू करता हूं। मुलायजा करवाइए। शायद हो आप बीती उस गरीब दिल की, शायद हो आप बीती उस गरीब दिल की, जाहिर ये हो रहा है उम्मीद के बयान से। 1 जून 2009 को अब्बा का इंतकाल हुआ। फिर चंद नाम दिन के बाद मुझे उनके कमरे में दाखिल होने की इजाजत हासिल हुई। कमरे में दाखिल होने के बाद उनके बिस्तर के एक कोने में बैठा और गौर करने लगा कि इस बाबिलखार शख्सियत के कितने पहलू थे, सब कहना गिरने से भरपूर। उसी बिस्तर के नीचे से एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक निकाला। खुशकिस्मती से उसे कोई ताला नहीं था। जब खोला तो ऐसा लगा कि काफी अरसे से वो संदूक बंद पड़ा है। धूल, लकड़ी के जाले, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ दफन है। बड़ी हिम्मत करके मैंने साफ करके उन चीजों को देखा। मेरे हाथ कांपने लगे, पैरों के जमीन खुंच गई। उनके जितनी भी अजीज खिदमत थे उन्होंने छोड़े थे, और बहुत कुछ जो पब्लिश हो चुका था मेरी मेरी बहन ने, और जो अनपब्लिश था वो हाथ से लिखे गए मैनुस्क्रिप्ट्स मकतूबात मौजूद थे, जो बड़ी ही हिफाजत से बंडल्स बनाकर एक लोई की डोरी से बांध के रखा था। वक्त की कमी थी, मैंने सोचा कि इन चीजों को अभी यहां पर पढ़ना देखना हाथ लगाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने इन चीजों को एक हिटाची में डाला और मेरे साथ शाहजा लेकर आ गया। शाहजा जाने के बाद वक्त बीत गया, काफी वक्त गुजर गया, लेकिन वो हिटाची वो सूटकेस हमेशा अपने तजस्स पैदा करता था मेरे दिल के अंदर कि इसको देखूं पढ़ूं क्या है। वो हमेशा मेरे जहन में था, लेकिन वक्त गुजरता गया। 2017 में दुबई की एक मोतबर बहुत ही मारूफ तंजीम है बज़्ले उर्दू दुबई, उनसे मैं जुड़ गया। मेरा जुड़ना क्या था, ये समझो के उर्दू अदब से मेरा ताल्लुका और मजीद बढ़ गए हैं। उस बज़्ल के जनरल सेक्रेटरी जनाब रेहान खान साहब से मेरे कुछ ज़ाती ताल्लुकात बनने लगे। उनका हर एक प्रोग्राम में जो वहाँ पर मुनद होते थे उसमें मैं बाकायदगी से शिरकत करने लगा। जब मैं रेहान साहब से अपने वाली साहब के उर्दू खिदमत उनके लिटरेचर के बारे में बात शेयर की तो बहुत ही मुतासर हुए। उन्हीं के बस्ते उर्दू के एक जलसे में मैं शरीक था, और उस वक्त जो मेहमान खुसूसी थे वो जावेद अख्तर साहब थे और उनके अहलिया शबा नाज़िमी थी। उस जलसे के बाद मेरे जहन में फौरन एक बात आई कि अब्बा की एक डायरी में कहीं उन्होंने कैफ आज़मी का जिक्र किया है। कैफ आज़मी है शबा नाज़िमी के वालिद। फिर फौरन उसी वक्त मैं आकर उस हिटाची में उनकी दो पर्सनल डायरियां थी मैंने निकाला, और मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कैफ आज़मी और
डॉक्टर अख्तर साहब के वाले बिलन साहब अख्तर और मेरे वाले वो एक रूममेट्स थे। उस जमाने में 3 रुपया रूम का किराया होता था। उस डायरी में लिखे थे कि इस महीने का किराया 3 रुपये कैसे से वसूल हुआ। इस तरीके से मुझे पता चल गया कि इनका उठना बैठना इनका लिखना पढ़ना किस लिहाज का था। वही एक बात थी जो चिंगारी थी जो मेरे दिल में लगी कि मुझे अब इस चीज को खोलना है पढ़ना है। लेकिन 5 सदियों का आदत मेरे सामने मौजूद था कि हिम्मत नहीं बढ़ रही थी किस तरीके से खोलूं क्या करूं। और 80% उनकी लिखावट जो हाथ से लिखे थे वो बरसात थी। लेकिन वक्त की बात थी कहीं कुछ कागजात रंग खो दिए थे कागजात पीले पड़ गए थे। मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर रेहान साहब जो है बस्ते उर्दू के और एक मारूफ शख्सियत बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं शाहरा गुलपत साहब उनसे मेरा तारुफ कराया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इस काम को आप दोबारा पढ़ें। जब वो सारी चीजों को स्कैन किया ये पता चला कि उनकी जो पहली किताब थी ये 1985 में पब्लिश हुई थी कर्नाटक स्टेट बुक अकेडमी लाइब्रेरी के तहत। इसमें सिर्फ 30% उनके मजमून अफसाने शायद थे। बाकी 70% उनके तहरीरें मजमून अफसाने बहुत सारी चीजें थी जो अनपब्लिश थी। तो मेरे दिल में एक चिंगारी आई कि इस काम को मुझे मुकम्मल करना है। जो बाकी जो चीजें हैं इनकी इसको मैं आवाम तक लाना है जरूरी है। तो वहां से इस किताब की शुरुआत हुई और उस लिखावट को पढ़ना समझना जमाने की जो जबान थी वो बहुत कठिन था। बहरहाल किताब कंपाइल हुई। यहाँ पर मुझे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि इस किताब के शायद होने में मेरी अहलिया मेरी इमीडिएट फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी मैं किताब को लेकर कुछ भागता इधर उधर मेडिकल पब्लिशर्स के पास बहुत तकलीफ थी क्योंकि 5 सदियों का अदब था थोड़ी बात नहीं थी। वो हमेशा कहती थी कि काम अभी बाकी है उसको मुकम्मल करो। आज की किताब मुकम्मल होने का एक अहम किताब है मेरे अहम किताब का। मेरी बड़ी बेटी सालेहा यहाँ पर मौजूद है। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में से बताया तो वो खुशी से झूम उठी। उसके जबान से जो अल्फाज लिखे निकले वो ये थी कि मुझे दादा साहब के पास ही उर्दू हिज्जे सीखने की मुहूर्त थी। वहीं से मैंने सीखा उर्दू अल्फाज उर्दू हिज्जे। और मुझे बताते हुए बहुत फख्र है कि वह आज खुद एक सहाफी बन गई है और जैसा कि इंग्लिश में एक सेइंग है द पिक्चर स्पीक्स द 1000 वर्ड्स। इस किताब जो नई किताब अभी आपको आने वाले इस किताब का सरोवर मेरी छोटी बेटी बनिया जब वो अपने एजुकेशन टूर से स्विट्जरलैंड गई थी वहां पर उसने एक तस्वीर खींची थी। उस तस्वीर को मैंने डिजाइनर से कहा कि आप इस तस्वीर को इस किताब का सरोवर डालें। तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उस किताब का सरोवर मेरी छोटी बेटी बनिया का है। यहाँ पर बैठे हुए मौजूद ससुरा यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि 1992 में जब मैं हिंदुस्तान छोड़ा उस वक्त मेरे बहन की डॉक्टर हमीदुल्ला कभी भी ये एहसास होने मुझे नहीं लगा मेरी मौजूदगी कोई एबसेंस रहना हमारे ना मुझे से कोई चीज़ का कोई फील्स ना रहे। उन्होंने इस
थोड़ा कबूल किया। मेरी बहन और डॉक्टर साहब है अल्लाह के आखिरी दम तक उनकी खिदमत करते रहे। इस किताब का इजरा आज जो मुनाकिद है, इसका पूरा सहरा पूरा दर मदार मेरे बहुत ही एहतराम दोस्त भाई जनाब सैफुल्लाह के साथ जाता है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि किताबें प्रिंट होके पब्लिश हाउस में दिल्ली में है 400 किताबें हैं, मुझे अगर आपकी बीवी में या एमएस में कहीं अगर जगह मिल जाए स्टोरेज के लिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा इसका इजरा करूँगा। तो दोनों जनाब मुहिब और जनाब सैफुल्लाह ने कहा इसको स्टोर करने से कुछ फायदा नहीं है, आप हम अभी इसको हम इजरा कर देते हैं। तो आज जो ये महफिल जमी हुई है इसका कंप्लीटली पूरा जहाता है और जनाब सैफ साहब और जनाब मुहिब का है। मैं इस किताब का आखिरी सफ़े में एक तस्वीर है, उमर साहब यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे 2007 में जब मेरे वाले शारजा आए तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर मुमताज जो है शारजा यूनिवर्सिटी कैंपस की बहुत तारीफ करते हैं, यूँ कहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट कैंपस है, मुझे तो वहाँ लेके जा। तो मैं वहाँ पर लेके गया और बस मैंने तस्वीर खींची, वो एक यादगार तस्वीर है इसलिए कि मेरे रोल मॉडल डॉक्टर मुमताज साहब की ख्वाहिश थी, उन्हें विजिट किए थे अपना उसको देर पूरा किया था कि वो बिल्कुल वहाँ पर विजिट किए, वो तस्वीर भी मैंने वहाँ पर डाली है। और यहाँ पर बैठे हुए हजरात जैसे बेहतर जानते हैं वाली साहब के बारे में, मेरी खुशकिस्मत ये है कि आज स्टेज पे जो हजरात जलवा फोर्स हैं वो उनके कलमा सुनना है। मैं अपनी बात में ये सोचा करता हूँ।